अलैकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं समीर खान, भारतीय जनता पार्टी स्लम सेल का मुंबई अध्यक्ष और महाराष्ट्र कामगार वाहतूक माताड़ी यूनियन का अध्यक्ष। आज हम लोग ने एक कार्यक्रम लिए थे एंट्री अभियान, जबकि देखा जाएगा तो भारत नगर में कोई आज तक किसी ने प्रॉब्लम लिया नहीं था। मुझे मेरी जानकारी थे हम लोग ने ये भारत नगर में जो नशा के काम ज्यादा हो रहे हैं, नशे मतलब जैसे यंग लड़के जो है बार बार नशे में मलूस हो रहे हैं, उनके बचाव के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एंटी ड्रग्स अभियान के माध्यम जो हमारी एक संस्था है उसके माध्यम से हमने एक रैली लिया था भारत नगर टाटा कॉलोनी से लेके महाराष्ट्र नगर तक, ज्ञानेश्वर नगर रोड, वाल्मीकि नगर और सारी जगह हम लोग घूमते फिरते लोगों में जागरूकता फैला रहे थे। आज हम लोगों ने वो जो काम किया है इसमें सारे मेरे दोस्त लोग साथ में थे, हमको पुलिस का भी अच्छा सहयोग मिला और हमारे कुछ दूसरी पार्टी के लोगों ने भी हमको सपोर्ट किया, क्योंकि ये जो काम था ये हमारे भंडनगर के जवान लड़कों के हित में था। जो लड़के नशे में आज है ना, अपने घर से और अपने लोगों से दूर हो रहे हैं और लड़ाई झगड़े चोरी चकारी जो बढ़ रही है, नशेरी जो पदार्थ है वो करने के बाद आदमी अपना आपा खो देता है तो वो कुछ ही करता है। और हमारे भारत नगर ज्ञानेश्वर नगर में कुछ ऐसे वारदात भी हुए जिस आदमी बच्चों ने नशा करके किसी को मारा है, किसी को लड़ाई झगड़े किए है। तो हम लोग चाहते हैं कि फ्यूचर ऐसा ना हो, इसलिए हम लोगों ने एक ये मुद्दे को आज हाईलाइट किया एंट्री ड्रग्स अभियान के माध्यम से। इसमें मेरे ये सब हम लोग साथ में थे, हम लोग इस पे टोटल मेहनत किया है और हम लोग लगभग 10 दिन से इस पे फॉलो अप लेते हुए कल आज हम लोगों ने 26 जनवरी के दिन ये प्रोग्राम लिया है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बहुत अच्छा साथ मिला और इसमें हम लोग ने उज़्मा प्राइमरी स्कूल के 150 के लगभग बच्चे लिए थे, इन्होंने अच्छे नारेबाजी किए और अच्छे जागरूकता किए। उसमें एक नारा ये था कि जहन्नम की तरफ ले जाने वाला काम है ये, नशे बच के रहो, ऐसे बहुत सारे उनके स्लोगन से जो मैं अभी इतना लंबा बोल नहीं सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग है ना इस माध्यम से एंटी ड्रग्स नशे के खिलाफ इसे एक्टिविटी करते हैं और देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस दल से बाहर निकले और अपनी जिंदगी अपने हाथ से अच्छा करे। इसमें हम लोग कोशिश करें, फरियाद करूंगा आप सबसे ही कि इसमें मेरा साथ दे और लोगों को जो लड़के मतलब नशे के इसमें है उनको उससे बचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये बोल के हमने पीएम विश्वकर्मा लोन लाए फैसिलिटी मिली। दूसरा ये ऑफिस हमने शुरू किया है अभी कुछ ही दिन हुए और ऑफिस नहीं थी जब भी मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत जोर शोर से काम कर रहा था, लेकिन ऑफिस खुलने के बाद हमको जैसे लोन वगैरह इसमें हम लोग मेडिकल कैंप लेने वाले है और इसमें आधार कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड और पैन कार्ड ऐसी बहुत सारी सुविधा हम लोग देने वाले लोगों को। ये ऑफिस खुलने के बाद भारत नगर वालों को बहुत ज्यादा से फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे। इससे पहले हम लोग की ऑफिस नहीं थी फिर भी हम लोग करते थे, लेकिन वो बात नहीं आती थी जो एक ऑफिस खुलने के बाद कहता है लोग शाम में हम लोग सब बैठते हैं तो अक्सर लोग यहाँ आके अपने मसले मसाले बताते हैं। ये अब हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम लोग मेडिकल हेल्प कर रहे हैं, एजुकेशन से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी होता है गटर संडासों का भी मसला है, हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग तक पहुंचे और उनकी मदद करें। ये सब चीजें ऑफिस खुलने के बाद हुई है और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समझा कि भाई ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के मसले हल करा के ले। अभी इलेक्शन को थोड़ा टाइम बाकी है और नगर सेवक तो अभी फिलहाल कोई है ही नहीं, पर नगर सेवक के जो काम होते हैं वो इंशाल्लाह हम लोग लोगों को करके देंगे और घर घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बोल के मैं अपने दो शब्द खत्म करता हूँ। जय जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। आज सभी भाई ने जो काम किए ना काबिल तारीफ के लायक है, ऐसे काम बहुत कम लोग करते हैं सच में। जो इन्होंने के बच्चों की भविष्य के लिए बहुत अच्छा काम के लिए इनके लिए ताली। जल्दी बढ़ा रहे, दो लाइन बना लेंगे, दो लाइन बना लेकर।